एक सरकारी कर्मचारी ने फैमिली अलाउंस का झूठा लाभ लेने के लिए तीन बच्चे लिखाए। आनंद आ जाए तो तालियां उठाना। तीन बच्चे लिखाए तो अधिकारी ने डांटा, बोले नालायक, देश को आजाद हुए 75 वर्ष होने को है, कहां पिछड़ी मानसिकता में जीता है, तीन बच्चे लिखाए, पांच तो लिखाता, सात तो मैंने लिखा। और बात पकड़ लो तो आनंद आएगा आपको, बोले कहां तीन बच्चे लिखवाए, सात पांच तो लिखवाता, सात तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो कर्मचारी ने हाथ जोड़ दिए, बोले बाबूजी आपका क्या मुकाबला करना, आप शादीशुदा भी तो हो, कर लो भ्रष्टाचार खत्म। राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्रवाद के शानदार स्वर का प्रतीक हिंदी कवि सम्मेलन का एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत कम समय में पूरे देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आइए आज राष्ट्रवाद से भरी हुई कविताएं सुनते हैं भाई मनवीर मधुर के मुख से। अहंकार नहीं पालना चाहिए, मैंने पहले कहा था कि होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। और शिकोहाबाद वालों, अगर अगली पंक्ति आपके तेवर की हो तो एक बार हुंकार भरी तालियां उठाना कि होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अखर फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अखर फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं, हमने अगर अंगड़ाई ले ली इतिहास बदल भी सकते हैं। और अब जो जागृत हो तो उठाना, हमने अगर अंगड़ाई ले ली इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो पर अंदर से हिल जाता है जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है, जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है, पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है, करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है, करता जो जैसा। और अहंकार किस बात का होता है, सामर्थ्य का, धन का। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है, शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं। और अगर अलग हटके बोला हो तो फिर आपकी तालियां उठें, आप खामोश हैं इसलिए मुझे खटक रहा है, वरना आप बहुत अच्छा सुनना है, लेकिन तालियां आपकी उठनी चाहिए, सुनना कि शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं, सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। बहुत बहुत आभार। सृष्टि, बहुत बहुत आभार। अब यहां से निकलना मत भोजन के लिए, जब मैं बैठूं तभी निकलना। सृष्टि जीतने, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, मैं आपको सही बता रहा हूं, वरना हम तो क्या क्या देखते हैं। मथुरा में मेरे यहाँ भाई जी एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आ गया, उसने एक बच्चा खड़ा किया, बोले बताओ भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बच्चा बोला रामलाल। तो इंस्पेक्टर तनाव में आ गया, बोले रामलाल कौन है, बोले मेरा बाप, 5 साल पहले घर से चला गया था, मां कह रही थी हो सकता है प्रधानमंत्री हो। तो इंस्पेक्टर तनाव में आ गया, उसने कहा मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगा स्कूल से, तुम्हें ये तक पता नहीं भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या, नाम कटवा दूंगा तुम्हारा। बच्चा बोला कटवा ही नहीं सकते, कटवा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कटवा सकता, बोले इसलिए क्योंकि मैं का छात्र हूं ही नहीं। बोले मतलब, बोले मतलब क्या साहब, मैं तो गाय चराने आया था, अध्यापक ने आके कहा 10 रुपए मिलेंगे, क्लास में आके बैठ जाओ, मैं बैठ गया, बस ये बताओ वो 10 रुपए तुम दोगे कि वो दे। तो पारा चढ़ गया उसका, वो अध्यापक के पास पहुंच गया, बोले मैं आपकी शिकायत करूंगा, मैं सस्पेंड करा दूंगा आपको, आपकी शिकायत करूंगा मैं, आपने नकली बच्चे बिठा रखे जिन्हें ये तक पता नहीं भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या। तो उसने कहा साहब असली तो मैं भी नहीं हूं। तो बोले मतलब, बोले मतलब क्या सा, मेरे ताऊ का बेटा है यहाँ पर अध्यापक, वो एग्जाम देने के लिए गया हुआ है, मुझसे कहता क्लास में खड़े हो जाना, मैं खड़ा हूं, मेरी क्या गलती है। तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया, बोले मैं आपकी शिकायत करूंगा ऊपर तक, आपने बच्चे नकली बिठा रखे जिन्हें ये तक पता नहीं भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, आपने अध्यापक नकली बिठा रखे, मैं शिकायत करूंगा आपकी। तो प्रिंसिपल ने कहा, बोले देखो साहब
असली प्रिंसिपल में भी नहीं है। बोले मतलब क्या है, प्रिंसिपल तो मेरे चाचा जी हैं, वो परचूने की दुकान भी चलाते हैं। इस समय बाजार से सामान लेने गए, मुझसे कह गए थे इंस्पेक्टर आएगा उसे 10,000 रुपए दे देना, वो जरूरी कागजातों पर साइन करके चला जाएगा। तो ये पकड़िए अपने 10,000 रुपए। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए लिए, जेब में डाले और फिर उससे कहा, बोले देखो ये तो मैं हूं जो 10,000 में मान गया, अगर असली वाला इंस्पेक्टर आ जाता तो। तालियां बजाओ जोरदार। अच्छा अगर यूपी वाला इस पचड़ों में फंस गया तो वो यूपी वाला कहेगा, और अगली बात पर आपकी तालियां उठेंगी अपने आप। वो प्रिंसिपल बने हुए व्यक्ति ने कहा, बोले साहब इतनी बुद्धि तो अब तुम में भी होनी चाहिए, जहां बच्चे नकली हैं, अध्यापक नकली हैं, प्रिंसिपल नकली है, तो नोट कौन से असली दे दिया होंगे। तो भाई देखो आनंद अपनी जगह है, है ना। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरी एक टिप्पणी पकड़ लोगे तो आनंद आएगा आपको। मैं हमेशा हर जगह जाता हूं बोलता हूं कि यूपी वालों को हल्के में मत लेना, कभी कभी हल्के में मत लेना। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती, हम यूपी वालों ने यह हल कर रखी है कि माया की खुद गुरु समझ नहीं आ रहा। और मैं सही बता रहा हूं, आप देखिए हमने अंग्रेजों से आजादी क्यों ली, क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी खराब कर रहे थे। हमने अंग्रेजों से कहा कि तुम कौन हो तो हमारी आजादी खराब करने वाले, हमें दो हम खुद खराब कर। लगातार प्रयास हुआ है। अच्छा भ्रष्टाचार में आप कितने भी कोशिश करिए भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, आंदोलन भी हुए लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। एक सरकारी कर्मचारी ने फैमिली अलाउंस का झूठा लाभ लेने के लिए 3 बच्चे लिखाए, आनंद आ जाए तो तालियां उठाना। 3 बच्चे लिखाए तो अधिकारी ने डांटा, बोले नालायक, देश को आजाद हुए 75 वर्ष होने को है, कहां पिछड़ी मानसिकता में जीता है, 3 बच्चे लिखाए हैं। 5 तो लिखाता, 7 तो मैंने लिखवा रखा। और बात पकड़ लो तो आनंद आएगा आपको। बोले कहां 3 बच्चे लिखवाए हैं, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो कर्मचारी ने हाथ जोड़ दिए, बोले बाबूजी आपका क्या मुकाबला करना, आप शादीशुदा भी तो हो, कर लो भ्रष्टाचार खत्म। तो ये होना नहीं है, और यूपी वाले तो मास्टर है इस चीज में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आजकल एक दौर चला है नकारात्मकता को ब्रांड बनाने का, क्या हमको शर्म नहीं आनी चाहिए? हम कसाब को तो जानते हैं लेकिन तुकाराम ओबले को नहीं जानते, जिसने गोलियां खाकर भी कसाब को जिंदा पकड़ा था। आज लोग कहते हैं रावण को नहीं जलाना चाहिए, रावण विद्वान था। असीम भैया 4 पंक्तियां सुनिए, अहंकार तो अपने पथ में कांटे भी बो सकता है, अहंकार तो अपने पथ में कांटे भी बो सकता है, यश वैभव परिवार सभी कुछ पल भर में खो सकता है, यश वैभव परिवार सभी कुछ पल भर में खो सकता है। और ये 2 पंक्तियां शुद्ध कविता की हैं, आप तक पहुंचूं तो मंच का भी समर्थन मिले आपका भी, कि यश वैभव परिवार सभी कुछ पल भर में खो सकता है। ये मत सोचो अपने मन में रावण था विद्वान बहुत, अगली पंक्ति पर उठा लेना तालियां, कि ये मत सोचो अपने मन में रावण था विद्वान बहुत, ये सोचो विद्वान विवेकी भी रावण हो सकता है। ये मत सोचो अपने मन में रावण था विद्वान बहुत, ये सोचो विद्वान विवेकी भी रावण हो सकता है। और मैं तो कहता हूं आप सब कृष्ण की परंपरा को जीने वाले हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है, शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है। हिंसक क्रूर अनैतिक कोई शक्ति ही न समझे जब जब, योगेश्वर कृष्ण को याद कर लेना, हिंसक क्रूर अनैतिक कोई शक्ति ही न समझे जब जब, तब तब दुश्मन को
को दिखलाना, अपनी शक्ति जरूरी है।